ओबीएस कहानी नंबर 9। परमात्मा ने मूसा बुलाया। यूसुफ रे मरने ते बाद तेसरे सब रिश्तेदार मिस्र देशा विच रहने लगे। सो और तिनारे वंशज कई साल तक मिस्र देशा विच ही रहे और तिनारे बहुत सारे बाल बच्चे पैदा हुए। तिनाखे इजरायली बोलिया गया। कई सौ साल बाद इजरायली लोग की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मिस्री लोग एवे यूसुफा खे और जो कुछ तिने तिनारी मदद करने खातर किया था तिजखे भूल गए थे। स्यो इजरायली लोग का ते डर गए क्योंकि इजरायली लोग की आबादी मिस्री लोग का ते ज्यादा थी। इस खातर ते समय मिस्र देशा पांदे शासन करने वाले फिरौन राजे ने इजरायली लोग मिस्री लोग का गुलाम बनाए थे। मिस्री लोग ने इजरायली लोग बहुत सारे मकान और नगर बनाने खातर मजबूर किए। ते इस मुश्किल काम ने इजरायली लोग का जीवन बहुत दुखदायी बनाया। पर परमात्मा ने तिनाखे आशीष दी थी और तिनारे और भी ज्यादा बच्चे पैदा हुए। फिरौन ने देखा कि इजरायली लोग का बहुत सारे बच्चे पैदा होने लग रहे। इस खातर फिरौन ने अपने लोगों के आदेश दिया कि इजरायली लोग का छोटे छोटे सब पुत्ता के नील नदी में सेटी के खत्म कर दो। एक इजरायली जवान ने एक पुत्ता के जन्म दिता। तेसा ने और तेसारे घरवाले ने जितना हो सके ऐसे बच्चा छुपाई के रखा। जब से तेस बच्चे के और ज्यादा नहीं छुपाई सके तो तिना ने से बच्चा मरने से बचाने खातर एक टोकरी बिच रखी के से टोकरी नील नदी के किनारे पाते सरकंडे बिच रख दी। तेस बच्चे की बड़ी बहन दूर खड़ी हुई देखने लग रही थी कि तेस साथ क्या होना। तेवे फिरौना री बेटी नहाने खातर तेस नदिया बिच आई। तेती तेसा ने सरकंडेरे बिच एक टोकरी देखी। तेसा ने अपनी सेवादारनी तेस टोकरी लियाने खातर भेजिया। तेसा ने तेस टोकरी बिच एक बच्चा देखा। तेस बच्चे पांदे दया करी कि तेसा ने से अपना बच्चा बनाई ला। तेसा ने तेस बच्चे के दूध पिलाने खातर एक इजरायली जवान से रख ली। ये जाने बिना कि से तेस बच्चे की सगी अम्मा है। जब से बच्चा बड़ा हुआ तो तेस इजरायली जवान से ने सोचा कि बच्चे के अब माया के दूध की जरूरत नहीं है। तेसा ने से बच्चा फिरौन की बेटी के वापस दे दिया और तेसा ने तेसरा नाम मूसा रखा। एक दिन जब मूसा जवान हुआ तब तिने देखा कि मिस्री आदमी इजरायली आदमी के मारने लगी रहा। तो मूसा ने अपने इजरायली साथी के बचाने की कोशिश की। तब मूसा ने सोचा कि माखे कोई नहीं देखो है और तिने से मिस्री आदमी खत्म करता और तेसरा शरीर दफनाईता। पर मूसा तेस मिस्री आदमी के मार दिए कि देख ला था। जब फिरौन के पता लग गया कि मूसा ने क्या किया तब तिने मूसा के खत्म करने की कोशिश की थी। पर मूसा मिस्र देशा ते बनर तरफ नठीगा जेती फिरौन सैनिक तेस के टोली नहीं सके। मूसा मिस्र देशा ते दूर मिगान देशा भी चराने लग्या। तेती तिने एक लड़की साथ ब्याह करी ला और दो बच्चे पैदा किते और से तेती एक चरवाहा बनीगा। मूसा तेती रही के अपने सौरे दी भेडा चारा करो था। एक दिन मूसा ने एक जल्दी हुई झाड़ी देखी जो बिना सुहा हुए जलने लग रही थी। मूसा तेजी देखने खातर तेस झाड़ी नजदीक गया। जब मूसा तेस झाड़ी नजदीक आया तो परमात्मा ने तेस साथे गल की। परमात्मा ने तेसके बोलिया, ए मूसा अपने जूते खोली दे क्योंकि तू एक पवित्र जगह बीच खड़ी रहा। परमात्मा ने मूसा के बोलिया, मैं अपने लोकर दुख देख ही रखा जो मिस्र देशा बीच है। इस खातर मैं तू फिरौन के भेजना ताकि तू मेरे इजरायली लोग के मिस्री लोग की गुलामी से छुड़ाई के लियाओ। मैं तिनाखे कनान देश देना से देश जो मैं अब्राहम इसहाक और याकूबा के देने का वादा किया था। मूसा ने परमात्मा से पूछा, जब तिना लोगों ने मन से पूछना कि तू किने भेज रखा तो मैं तिना के क्या बोलना। परमात्मा ने मूसा के बोलिया, तै तिना के यहाँ बोलना कि हाँ जो हाय से हाय। तै तिना के बोलना कि जिन्हें हाँ भेज रखा से तू सारे बुजुर्ग अब्राहम इसहाक और याकूबा का परमात्मा यहोवा है और हमेशा तक तेसरा यही ना रहना। मूसा फिरौना के जाने से डरो था क्योंकि इसे रुकी रुकी के बोलो था। इस खातर परमात्मा ने मूसा रा भाई हारून तेसरी मदद करने खातर भेजा।